अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं जुगनू और आप देख रहे हैं उस्ताद जुगनू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि पैनासोनिक 8045 मॉडल है, ठीक है, उसे हम अपने कंप्यूटर के साथ कैसे अटैच करते हैं, ठीक है, और कंप्यूटर के साथ अटैच करने के बाद हम कंप्यूटर से प्रिंट देंगे और आउटपुट फोटोकॉपी मशीन से होगा। ठीक हो गया, तो आते हैं हम अपनी वीडियो। तो ये देखें, मैं प्रिंट यहाँ से देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल पी, ठीक है, और ये है पैनासोनिक 8045 मॉडल। ये मैं आपको क्रीप करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये देख, पैनासोनिक 8045 मॉडल है, ठीक है, इसे हम प्रिंट करते हैं। यहाँ से कोई पेज वगैरह सेलेक्ट कर ले, अगर यहाँ से पेज वगैरह सेलेक्ट करना है या जो भी करना है, बस सीधा सीधा प्रिंट कर ले। ये प्रिंट है, ठीक है, ठीक है, यहाँ से मैंने प्रिंट दे दिया है। और अब हम जाते हैं उधर फोटोकॉपी मशीन की तरफ। ये मेरी फोटोकॉपी मशीन पड़ी है और ये देखें, यहाँ से आउटपुट प्रिंट निकल चुका है आपके सामने। ये देख लें, ये मॉडल है मेरे पास 8045 पैनासोनिक का। ये आप देख रहे हैं, ये देखें, ठीक है। और इसकी सेटिंग करने के लिए आप लोगों को दोस्तों क्या चीज़ चाहिए, आप लोगों को एक तो केबल चाहिए, नेटवर्किंग केबल, ठीक हो गया। नेटवर्किंग केबल आप लोगों ने दोस्तों यहाँ पे लगा देनी है, ठीक है, और दूसरी साइड इसकी लगानी है अपने पीसी के अंदर। वो पीसी मेरा उस नीचे पड़ा हुआ है। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना, अगर पीसी पे लगाते हो तब भी ठीक है, नहीं तो आप लोगों ने यहाँ पे अपने मोडेम के अंदर यहाँ पर लगा देनी है, वो आप लोगों की मर्ज़ी है। लेकिन हाँ, एक बात बता दूँ आप लोगों को कि अगर आप लोगों ने अपनी पैनासोनिक मशीन को अपने पीसी के साथ अटैच करना है, तो उसके लिए आप लोगों के पास नेटवर्क यानी कि इंटरनेट होना लाजमी है। ठीक हो गया, आते हैं हम अपनी सेटिंग की तरफ। हाँ, तो ये आ चुके हैं हम अपने कंप्यूटर की तरफ। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे जाना है जहाँ पे आप लोगों का नेटवर्क है। यहाँ पर नेटवर्क के ऊपर आप क्लिक करनी है और यहाँ से नीचे लिखा हुआ है ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देनी है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू आप लोगों के सामने ओपन हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना, ऊपर है नेटवर्क, नीचे है अनडेफिनेट नेटवर्क, ठीक हो गया। आप लोगों ने क्या करना, लोकल एरिया कनेक्शन टू के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे उसके बाद ये मेन्यू आप लोगों के पास आ गया। फिर आप लोगों ने क्या करना, डिटेल के अंदर आ जाना। यहाँ से डिटेल के ऊपर क्लिक कर दी। यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, आईपी एड्रेस लिखना है, ठीक है, ये वाला आईपी एड्रेस 169.254.124.223, आप लोगों ने ये लिख लेना है किसी जगह पे। ठीक हो गया, लिखने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसे आप लोगों ने क्लोज कर देना। यहाँ से क्लोज कर दिया, यहाँ से भी क्लोज कर दिया और इसे मिनिमाइज़ कर दिया। ठीक हो गया, अब आप लोगों ने क्या करना है, अपनी मशीन की तरफ, मशीन की तरफ आ गए। अब आप लोगों ने क्या करना है, फंक्शन के ऊपर क्लिक करनी है। यहाँ से फंक्शन, उसके बाद यहाँ से जर्नल सेटिंग, फिर आप लोगों ने क्या ने आना है, इसे नीचे करेंगे और की ऑपरेटर मोड, ये नीचे लिखा हुआ की ऑपरेटर मोड, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देनी है। और यहाँ से आप लोगों ने क्या करना, 80 प्रेस करनी है। कितनी, 80, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 80 मैंने प्रेस कर दी। उसके बाद आप लोगों ने स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देनी है, कर दी। अब ये मेन्यू आपके सामने ओपन हो गया। अब आप लोगों ने नीचे आना है यहाँ से, और थोड़ा नीचे आए यहाँ से, यहाँ से आप लोगों ने 23 नंबर वाले ऑप्शन के ऊपर आ जाना। पहले आप ऐसा करें, 22 नंबर पे आ जाएं, डी एच
सी पी डिफॉल्ट लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देनी है और इसे आप लोगों ने नो कर देना। दोस्तों इस वक्त मेरी मशीन के अंदर, मेरी मशीन जो है वो अपने पीसी के साथ अटैच है, ठीक है। मैंने इसे अटैच कर रखा है ऑलरेडी, इसलिए मैंने पहले से इसे अटैच किया और नो प्रेस किया। आप लोगों ने अगर यस होगा आप लोगों के पास, आप लोगों ने नो कर देना और ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे उसके बाद आप लोगों के नीचे आना, यहाँ से TCP IP एड्रेस के ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ पे आप लोगों ने वही एड्रेस लिखना जो आप लोगों ने पीछे एड्रेस लिखा था, 169, 254, 124 और लास्ट पे 233 था ना, वहाँ पे, यहाँ पे आप लोगों ने 239 लिख देना। अगर 239 ना लिखेंगे तो आपकी मशीन जो है वो पीसी के साथ अटैच नहीं होगी लाजमन। ये जो मैंने एड्रेस दिया ना आप लोगों के, ये नोट कर लें, 239 आप लोगों ने लास्ट पे ज़रूर लिखना। पहले वहाँ से 169, 254, 124 और 239 लिख कर फिर आप लोगों ने ओके कर देना। ओके हो गया, उसके बाद आपने नीचे वाले एड्रेस पे आना, TCP IP, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे 255 255 देकर आप लोगों ने ओके कर देना, ठीक है। हमारी सेटिंग हो चुकी है। अब आप लोगों ने क्या करना है, फंक्शन को प्रेस करना और उसके बाद यहाँ से भी ओके करेंगे ना, ठीक है, फिर फंक्शन, फिर रीसेट, रीसेट हो चुकी। अब आप लोगों ने आ जाना है मशीन को रीस्टार्ट करना, यहाँ से बंद कर दिए एक बार मशीन को, ठीक है, ये शट डाउन हो रही है, ये देख लें बंद होगी मशीन। उसके बाद आप लोगों ने फिर से ऑन कर देनी मशीन, ठीक है, ये देखें अब ये मशीन ऑन हो रही है, ठीक हो गया। और अब मैं जाता हूँ अपने पीसी की तरफ, ये मैं अपने पीसी की तरफ आ गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, जहाँ पर आपके ड्राइवर पड़े हैं, इसके ड्राइवर भी होते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपने जाना है। मेरे ड्राइवर पड़े हैं इस वक्त E-Drive के अंदर, यहाँ पे लिखा होगा 8045 गालवन लिखा होगा मेरे ख्याल में, पैनासोनिक का, ये देखें ये पैनासोनिक 8045 मेरे पास इस वक्त ड्राइवर हैं इसके। ये एक सेकंड में अभी आप लोगों को गौर से दिखाता हूँ, 8045 पैनासोनिक, इसको आपने ओपन कर लेना। ओपन करेंगे तो ये अलाउ का ऑप्शन मांगेगा, ठीक है, आप लोगों ने इसे अलाउ कर देना, यस करना है इसे। और यहाँ पे ऊपर ऑप्शन मांग रहा है, यहाँ पे भी अलाउ करेंगे एक बार, ठीक है, ऊपर ऑप्शन मांग रहा है नेटवर्क ऑपरेट प्रिंटर एंड लोकल प्रिंटर। आप लोगों ने क्या करना है, नेटवर्क प्रिंटर के ऊपर ही रहने देना और यहाँ से नेक्स्ट कर देना। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे ये देख लें, पैनासोनिक DP8045 जो है वो मॉडल आप लोगों के सामने शो हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे शो हो चुका तो आप समझ लें कि आपकी मशीन जो है वो PC के साथ अटैच हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे जब शो हो गया फिर यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे आके फिर आगे वो फिनिश वगैरह वाला ऑप्शन मांगेगा और फिनिश कर देना आप लोगों ने। उसके बाद समझ लें कि आप लोगों के ड्राइवर हो चुके हैं और आप लोगों का जो प्रिंटर है पैनासोनिक 8045 जो मशीन है वो आप लोगों की आपके कंप्यूटर के साथ अटैच हो चुकी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल उस्ताद जुगनू को सब्सक्राइब किया तो ठीक है, अदरवाइज़ आप लोग मेरे चैनल उस्ताद जुगनू को ज़रूर लाजमन सब्सक्राइब करेंगे। ये देखें मैं आपको यूट्यूब के ऊपर बता भी देता हूँ, उस्ताद जुगनू USTAD उस्ताद JUGNU उस्ताद जुगनू इंटर करेंगे।
ये सामने सामने वाला मेरा चैनल है। ओपन करते हैं, ये वाला चैनल है। इसे आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ में ये बेल के ऊपर ज़रूर आप लोगों ने घंटी वाला बटन जो है प्रेस करना, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए आप तक ज़रूर पहुंची जा सकें, जल्द पहुंच जा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, खुश रहिएगा।